बहुत नजदीक है और हमेशा की तरह हम चुनाव विकास और कल्याण के एजेंडे पे लड़ेंगे और हमने कभी भी चुनाव जो है साजिश पे, षड्यंत्र पे, शगुफों पे या चरित्रहनन की राजनीति पे आधारित मुद्दों पे नहीं लड़ा है और पिछले 3 चुनाव हमने लगातार जीते हैं। तो इन चुनावों में हमने हमेशा विकास को एजेंडा बनाया है और साथ में कल्याण को एजेंडा बनाया है। विकास हरोली विधानसभा में सामने दिखता है और सामान्य जनता जो आम जनता है उसको मालूम है कि पिछले 15 साल के दौरान किस ढंग से हरोली ने तरक्की की है और किस ढंग से यहाँ गरीब की या जरूरतमंद की सेवा हुई है। तो इसलिए चाहे हमने हरोली में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति लाई हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हों, चाहे हम बिजली के क्षेत्र में आगे बढ़े हों या फिर सड़कों का या सिंचाई का बड़े पैमाने पे काम किया हो, तो ये जो काम हुआ है ये खरबों पे इन पे खर्च हुए हैं और आज हरोली में बहुत बड़ा प्रशासनिक तंत्र खड़ा हो गया है जो आज से पहले नहीं था। आज हरोली में सब रीजनल मजिस्ट्रेट बैठा है, एसडीएम का ऑफिस कायम हो गया है, डीएसपी का ऑफिस कायम हो गया है, सचिवालय बन के तैयार हो गया है, सिविल अस्पताल बन के तैयार हो गया है और 3 तहसीलें हो गई हैं, 3 कॉलेजेस हो गए हैं, 2 औद्योगिक क्षेत्र हो गए हैं, 2 आईटीआई हो गई हैं। तो हर तरफ यहाँ पे आप देखेंगे आपको विकास नजर आएगा। और फिर ये नहीं है कि हमने किसी प्रोजेक्ट का पत्थर रखा था तो हमने उसको निर्मित नहीं किया। अरबों रुपए के आप देखते हैं कि बिल्डिंग्स हरोली में नजर आती हैं जो कि एक शहरी क्षेत्र में भी आपको नजर नहीं आएंगी। तो दूसरा एजेंडा जो है गरीब की सेवा का, आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में 5,000 लोगों का इलाज हो चुका है जिसपे 8 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुआ है। कोई ये कह नहीं सकता कि मैं बीमार हुआ था, मेरा इलाज नहीं हुआ, मुझे फीस की जरूरत थी, मेरी मदद नहीं हुई। तो विकास और कल्याण हमारा मुख्य एजेंडा है और हर चुनाव हम इसी मुद्दे पे लड़ते हैं क्योंकि हमें अपने काम पे भरोसा है, हमें हरोली की जनता पे भरोसा है। सवाल है जैसे कि हरोली से ऊना को पुल बन रहा है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल है, 56 करोड़ रुपया इस पे खर्चा हो रहा है और रिकॉर्ड टाइम में हम इसको बना के तैयार कर रहे हैं। इस पुल को, पुल के निर्मित होने के बाद पंजाब के जितने भी लोग हैं, चाहे वो लुधियाना से, जलंधर से, जेजों से, गढ़शंकर से, जितने भी लोग हिमाचल में प्रवेश करना चाहते हैं या हरोली विधानसभा की सारी जनता जो है वो उसके लिए एक ये लाइफलाइन हो जाएगी। तो एक ये ऐसा पुल बना है जो हिमाचल का सबसे लंबा पुल है। फिर दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण सिंचाई की योजना इसमें बन रही है जो मीडियम इरीगेशन में सबसे बड़ी योजना है, बीत क्षेत्र सिंचाई योजना बन रही है। ये पंजाब और हिमाचल में 2 हिस्सों में बटा हुआ बीत है और एक गढ़शंकर में आता है, एक हरोली में आता है। तो जो हरोली का बीत है उसमें हर खेत को पानी लगे उसके लिए 44 करोड़ रुपए की लागत से बीत क्षेत्र सिंचाई योजना तैयार हो रही है जो मीडियम इरिगेशन में सबसे बड़ी योजना है हिमाचल प्रदेश की और ये 31 अगस्त को बन के तैयार हो जाएगी जिससे कि हर खेत को पानी लगेगा उस क्षेत्र में। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है कि जो गैस पाइपलाइन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले गैस पाइपलाइन हरोली विधानसभा क्षेत्र में के टालीबाल में और बाथू बाथरी के क्षेत्र में पहुंच गई है और यहाँ के जो कारखाने हैं उनको अब गैस जो है सप्लाई हो रही है और गैस से कारखाने चल रहे हैं। आने वाले समय में इसको हम लोगों के, आम आदमी के घर तक भी ये लाइनें हम पहुंचाएंगे। तो ये जो इश्यूज हैं
जो कि हमें दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग बनाते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया ही है, हमारे दो इंडस्ट्रियल एरिया कायम हो गए हैं। अब जो एक पहले इंडस्ट्रियल एरिया डालीवाला में था, अब दूसरा औद्योगिक क्षेत्र हमारा होशियारपुर बॉर्डर पे बन रहा है, 150 करोड़ रुपया उस पर लग रहा है। या आप देख रहे हैं जो तालाब हमने बनाए हैं, हिंदुस्तान की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको इतने बड़े पैमाने पे तालाब नहीं मिलेंगे। और तालाब हमारे पूर्वजों ने बनाए थे, और अगर आज हम उनको जो है निर्मित कर रहे हैं या उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, उससे एक तो वाटर बॉडीज कायम हो रही हैं, लोगों को पीने का पानी मिलेगा या पशुओं को नहाने का पानी मिलेगा, उसके बाद जो है फिशरीज का बहुत बड़ा काम इनमें इन तालाबों में हो रहा है। थर्डली इन तालाबों के ऊपर हम जो ट्रैक्स बना रहे हैं वो टूरिज्म के अट्रैक्शन का केंद्र बन रहे हैं, और ग्रामीण वासी भी शाम को इन स्थलों पे घूम रहे हैं। तो ये तालाब जो है मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने बड़े पैमाने पे ये तालाब हों। फिर जो रेन शेल्टर हमने बनाए हैं, ये रेन शेल्टर अंग्रेजों ने शिमला में बनाया था मैसूरी शैली में या मैसूरी में बने हुए हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड रेन शेल्टर है। लेकिन अब हमारे क्षेत्र में तो दर्जनों जो है ये रेन शेल्टर बने हैं, जगह जगह लोग आपको इसमें बैठे हुए मिलेंगे, बसों का इंतजार करते हुए मिलेंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंसी देखने में भी इससे अच्छी लग रही है। फिर चौंक्स जो हमने बनाए हैं, ये चौंक्स चंडीगढ़ में तो उपलब्ध हो सकते हैं या दिल्ली में आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन एक ग्रामीण परिवेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको इस ढंग से चौंक मिले और जगह जगह ये आकर्षण का केंद्र बने, तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो कि हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी को दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसियों से अलग तरह से दिखाती है। देखिए कि हम अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, हम हरोली क्षेत्र को आगे बढ़ा रहे हैं, हम चरित्र हनन की राजनीति में हमने कभी विश्वास नहीं किया। चरित्र हनन की राजनीति वो लोग करते हैं जिनके पास विकास के मुद्दे नहीं होते हैं, जिनके पास कल्याण का एजेंडा नहीं होता है। जिनके पास ये एजेंडे नहीं होते हैं वो तरह तरह के शगुफे छोड़ते हैं, षड्यंत्र करते हैं, साजिशें करते हैं। तो हमारे जो हरोली विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष के लोग हैं, एक तो वो थके हुए लोग हैं जो 15 साल से लगातार हार को बर्दाश्त करना एक छोटी बात नहीं है। 15 साल से लगातार इन्होंने अलग अलग प्लेयर्स मैदान में उतारे और हर दफा जो है एक ही रिजल्ट आया। तो अब जो प्रेजेंट में भी जो भाजपा के लोग बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाएं जताते हैं, इनको भी हमने पिछले चुनावों में ठीक ठाक तरीके से धराशायी किया है। मोदी जी का इलेक्शन जो पूरे देश में हवा चल रही थी भाजपा की, उस इलेक्शन को भी हमने बहुत अच्छे मार्जिन से जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीता है, जबकि सारे सारे देश में हवाएं अलग थी। तो ये सब लोग जो है हताश हैं, निराश हैं, और इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। और जब आदमी थक जाता है और जब वो मुकाबला नहीं कर पाता है तो वो गाली गलौज पे उतर आता है। तो इनका हाल यही है कि ये इतने परेशान लोग हैं कि इनको हरोली में जो विकास के मीनार खड़े हो रहे हैं, विकास की जो मंजिलें सामने आ रही हैं, जहां ये पंजाबी में कहते हैं कि मैं जेड़े पासे देखा मैं तो तू दिसदा, तो जहां भी आप देखेंगे हर तरफ आपको विकास के बड़े बड़े मीनार नजर आ रहे हैं। कहीं पे आपको जो है कॉलेजेस की बिल्डिंगे नजर आ रही हैं, कहीं पे आपको अस्पताल नजर आ रहे हैं, कहीं पे आपको सचिवालय नजर आ रहे हैं, कहीं स्किल डेवलपमेंट सेंटर नजर आ रहे हैं। हर 200 मीटर 300 मीटर के बाद आपको विकास की नई तस्वीर नजर आती है। तो इसलिए अब जो लोग ये तो कह नहीं सकते कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ, यहाँ कल्याण नहीं हुआ या गरीब की सेवा नहीं हुई, अब यही कह सकते हैं कि जी विकास में जो है गोलमाल हो गया या कल्याण में जो है अपने लोगों को फायदा दे दिया। अगर हमने 5000 लोगों का इलाज करवाया है और अगर ये विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये इन्होंने अपने लोगों को फायदा दिया, तो मुझे इस बात की खुशी है कि ये 5000 लोग कम से कम मेरे लोग हैं, इनकी भाषा में अगर हमें समझा जाए। और इसी ढंग से विकास में भी अगर ये आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि ये काम ठीक नहीं हुआ, तो जो
एमएलए होते हैं या मंत्री लोग होते हैं, इनका काम नीति निर्धारण का होता है। एक तो काम का फैसला करना, दूसरा उसके लिए बजट उपलब्ध करवाना, बाकी प्रशासनिक मसले हैं, कैसे टेंडर होना है और जो है कितने दिन का टेंडर होना है, किसको मिलना है। हम जो है हरोली में हुए कार्यों से हम संतुष्ट हैं। हमें आदमी को अपनी नजर में भी सही दिखना चाहिए, तो हम अपने कार्य से संतुष्ट हैं। हमें जो मौका मिला, हमने हरोली की पूरे लगन से तन्मयता से सेवा की है और उसका रिस्पांस जो है हरोली की जनता, 3 महीने के बाद जो इलेक्शन होंगे, जो ज्यादा दूर तो है नहीं, 90 दिन के बाद भाजपा को अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह ग्रामीण प्रवेश का क्षेत्र रहा है। ये सारी पंचायतों का क्षेत्र है, 42 पंचायतें इसमें शामिल हैं। हमें जब उद्योग विभाग का प्रभार मिला तो उस समय जो है पैकेज जो प्रदेश को मिला हुआ था वो तकरीबन समाप्त हो गया। इसके बावजूद भी हमने हरोली में प्रदेश के साथ साथ औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और उसमें सबसे बड़ी सफलता हमें मिली जब हमने प्रदेश के लिए 3 औद्योगिक क्षेत्र मंजूर किए, तो उसमें एक औद्योगिक क्षेत्र हरोली विधानसभा क्षेत्र में भी केपंडोगा के लिए हमने मंजूर किया और उसके लिए 150 करोड़ रुपए की राशि आई। और ये औद्योगिक क्षेत्र बड़ी एडवांस स्टेज पे है और निर्मित हो रहा है और अगस्त या सितंबर के एंड तक ये औद्योगिक क्षेत्र उद्योगपतियों के लिए खोल दिया जाएगा और नए कारखाने इसमें आएंगे। और इससे पहले टालीवाल का औद्योगिक क्षेत्र भी कांग्रेस की देन रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे घराने यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे क्रीमिका फैक्ट्री है, इसको हमने बुलाया था जब मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना था, तो उसमें हमने इनको बाय इनविटेशन बुलाया और वहाँ पे लगभग 1.5-2 हजार लोग काम कर रहे हैं। और इसी ढंग से आज नेस्ले कारखाना यहाँ पे काम कर रहा है। ये जमीन मैंने हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन के नाते यहाँ खरीदी थी और जो बाद में इस कारखाने को दी गई। और पहला फूड पार्क जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिंगा और गोंदपुर के बॉर्डर पे बन रहा है। इसी तरह से अभी 500 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा कारखाना जो है बीत क्षेत्र में आ रहा है और नए कारखाने जो दूसरा पंडोगा का इंडस्ट्रियल एरिया बना है वहां पे नए कारखाने आएंगे। तो जब मैं एमएलए बना था तो उस समय इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 7 या 8 ट्रक थे टालीवाल यूनियन में। आज जो है उस एक ही यूनियन में 800 ट्रक हो गए हैं। अब जो दूसरी तरफ पंडोगा में बन रहा है और वहां भी बहुत बड़े पैमाने पे एक साल के अंदर अंदर देखना, बहुत बड़े पैमाने पे लोग ट्रक खरीदेंगे, कारखाने आएंगे। तो औद्योगिक क्रांति यहाँ पे बड़े पैमाने पे आई है, लोगों को रोजगार मिला है। आखिर वो किसी का तो बच्चा होगा जो इन कारखानों में काम कर रहा है। जैसे टालीवाल में आज 500-600 दुकानें हो गई हैं, आज वहां पे 10 बैंक हो गए हैं, पता नहीं कितने ATMs हो गए हैं और हर तरह की दुकानें वहां पे बनी हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ पे विकास हुआ है, औद्योगिक क्रांति आई है, तभी जो है ये बड़े बड़े मार्केटें एस्टेब्लिश हुई हैं। तो कोशिश हो रही है कि उद्योगों को, नए नए उद्योगों को यहाँ पे लाया जाए। उसके साथ ही हमने लोगों को ट्रेंड करने के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पे खोला है, रोजगार कार्यालय यहाँ पे हमने खोला है ताकि बच्चों को नौकरी हासिल करने के लिए आसानी हो सके।